और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार सोनी है और आप देख रहे हैं पोल पोल पोस्ट। आज हम आपको बता दें कि जुए का खुलासा हुआ है, जिसमें जुआ जो है लगभग 2,06,000 रुपये नगद रुपए बरामद हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लगभग 30 लाख रुपए का मसरूका बरामद हुआ है, जिसमें ब्लोरो और इंडिका वाहन मौजूद है। और लगभग कुल 15 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो हसन है, हसन पिता खालिद मोहम्मद निवासी मोरवा बताया जा रहा है, जबकि यही वह व्यक्ति है जो पूरे जुआ का जो है मास्टरमाइंड है। आपको बताते चले कि ये जो जुआ पकड़ाया है, सिंगरौली जिले के बरगवां पकड़ाया है। कचारी गांव का नाम है, कचारी है, इसके जंगल में जुआ चल रहा था, जिसमें 15 जुआरी पकड़ाए हैं, जिसमें 2,06,000 रुपए नगद पकड़ाया है, इसमें 2 बोलेरो, 2 कार, 15 मोबाइल भी मौजूद है उसमें, जो पकड़ाया है आज। आपको बताते चले कि वही साथी जुआरी है जो बिन नगर के जंगल, मोरवा इलाके के जंगलों में, और आज जो खुलासा हुआ है बरगवां के जंगलों में, ठिकाना अपना बदल बदल के गेम खिलवाते थे। और साथ ही बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों से जोरों पे चर्चा थी कि मोरवा इलाके में जुआ चल रहा है, जिसका आज पूरी तरह से सिंगरौली एसपी ने बताया कि हमारी टीम जो है लगी हुई थी जुआ पकड़ने को, सूचना लेकर, और जब हमारी टीम वहाँ गई तो वहाँ पर कोई नहीं मिला है, लेकिन मोरवा में, और बीते रात जो है बरगवां इलाके में खुलासा किया गया है, और उनकी तरफ से यह प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। कुल आइए आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश पांडे जी मौजूद हैं, वो बताएंगे उर्दू में किस प्रकार जुआ होता था, किस प्रकार वहाँ पर सूचना गई और बंद करवाया गया। क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे। जुआ के विषय में क्या बताएंगे, जो उर्दू में जुआ चल रहा था? जुआ में देखिए क्या है कि शुरुआत तो उर्दू से ही हुआ था, उर्दू में बहुत पुराना इनका गिरोह है और हमेशा से चलता आया है, और यही गिरोह उर्दू से जब बंद कराया गया, उसमें काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसको इसके संदर्भ में सूचित किया, तो उनके हस्तक्षेप के बाद वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए। बंद करने के बाद वही गिरोह जो है जा करके मोरवा चटका नाला पर बैठ करके अपना जुआ खिलाना शुरू किए, जिसमें हसन और आपका क्या वो नाम बता रहे थे, तो राजा राम और बबलू जायसवाल, ये 3 लोग हैं, 3 ही मेन गिरोह है, ये बदल बदल के ठिकाना अपना खिलाते रहते हैं। यहाँ से चटका नाला गए, चटका नाला में जब उनको ये किया गया तो वहाँ से फिर बरगवां थाना में पहुँचे। आपको बता दें कि अभी कुछ साल पहले, लगभग कुछ साल ही हो रहा है, मतलब बीते 5-6 साल पहले बैढ़न इलाके में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी, और उसमें कई लाख रुपए बरामद हुए थे और कई लोग पकड़ाए थे, जिसमें यही हसन है जो पकड़ाया था, जो जेल भी गया था, और सबसे बड़ा मास्टर माइंड अगर माना जाए तो यही हसन है। और इसका कहना है, जिसको जो करते बने करे, मेरा खानदानी पैसा है, हम जुआ खिलाएंगे, हमारे बाप दादा जो थे यही पैसा करते थे, और आज पुलिस को चकमा देकर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नगद लेकर वहाँ से जंगल के रास्ते फरार हो गया है। चलिए, बहरहाल अभी हम खड़े हैं सिंगरौली एसपी कार्यालय के समीप, और अभी खुलासा हुआ। थाना बरगवां अंतर्गत एक जुए के घर पे कार्रवाई हुई है कल रात्रि में, और बड़ी अच्छी कार्रवाई रही है, पिछले दिनों सबसे बड़ी कार्रवाई है पिछले दिनों के। अगर मैं इसका डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी, मीडिया के माध्यम से भी हमारे पास ही सूचनाएं आ रही थी, ब्यूरो के माध्यम से सूचना आ रही थी कि शुरू में एक मोरवा थाना क्षेत्र के चटका के ग्राम के आसपास के क्षेत्र में कहीं पे जुआ चल रहा है। तो हमने लगातार पिछले 1 हफ्ते से अपनी टीम लगा रखी थी। इसके बाद जब इनको भनक लग गई कि पुलिस को पता चल गया है और पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, तो इन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। स्थान परिवर्तित करने के बावजूद भी, चूंकि हम लोग पहले से ही इसकी रेकी कर रहे थे, इसकी जानकारी जुटा रहे थे, तो हमने इसको लोकेट कर लिया। और मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे
एडिशनल एसपी साहब श्री प्रदीप संडे जी को मैंने जिम्मेदारी दी थी और इन्होंने लगातार एक हफ्ते से इस चीज़ को मॉनिटर करते हुए अंततः हमें सफलता मिली। हमारे एसडीओपी साहब कृपा शंकर द्विवेदी जी और विशेषकर थाना प्रभारी बरगवा मनीष त्रिपाठी जी, इनको हमने पूरा जानकारी दिया इस संदर्भ में। इन्होंने अपने स्तर पे उसको और डेवलप किया और कल रात्रि में कचारी के जंगल में लगभग 7 किलोमीटर अंदर पैदल चलने के बाद पहाड़ी के नीचे छुपी अवस्था में ये वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वायर से ये लोग बिजली का कनेक्शन खींच करके लाइट जला करके रात में स्थानीय निवासी जो लल्ले राम साहू है उसकी भूमि थी वहाँ पे एक मचान टाइप का फार्म हाउस टाइप का छोटा सा कच्चा बना हुआ है, उसमें ये लोग अवैध रूप से जुआ खेलते हैं। इस कार्रवाई में हमने 15 आरोपियों को अपराधियों को गिरफ्तार किया है जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि इसमें से एक व्यक्ति बहुत बड़ा ठेकेदार है, एक व्यक्ति की क्रेन सर्विस है जगदम्बा क्रेन सर्विस, एक व्यक्ति की बड़ी दुकान है, इसी प्रकार से ये व्यक्ति जो रहने वाले हैं ये शक्तिनगर मोरवा बैडन अनपरा बमनी दूधी सोनभद्र आसपास के क्षेत्र के दूसरे प्रांतों के भी लोग इसमें हैं और इन सभी के संबंध में जो आपराधिक रिकॉर्ड है इनका स्थानीय थानों से उसको मंगाया जा रहा है। हमने आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइलें बरामद की है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त 2,06,000 रुपए नकद, 2 बोलेरो वाहन, 1 आल्टो गाड़ी और 1 इंडिका कार ये भी हमने बरामद किया है और साथ ही 2 दरी जिस पर ये लोग ताश खेला करते थे, ताश के पत्ते, बिजली के तार के टुकड़े, बल्ब, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का मशरूका हमने इसमें बरामद किया है। इस पूरी कार्रवाई में हमारे एडिशनल एसपी संडे साहब, एसडीओपी मोरवा द्विवेदी जी, इनकी निगरानी इनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बरगवा मनीष त्रिपाठी और साथ ही एएसआई सुरेंद्र यादव, आरके त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, संजीत सिंह, उमेश अग्निहोत्री, अनिल मिश्रा, अरविंद चतुर्वेदी, जितेंद्र उइके, रमेश प्रसाद, आरक्षक संजय सिंह, गणेश रावत, आशीष द्विवेदी, विकेश सिंह, दयाशंकर शर्मा, दिलीप कन्नौज, पंकज चतुर्वेदी, सुरेंद्र भुजवा सहित थाने के अन्य कई स्टाफ जिनका की बैकडोर से सपोर्ट रहता है, साथ ही हमारे साइबर टीम और साथ ही मैं ऐसे मुखबिर जिनका हम नाम नहीं ले सकते उनका भी मैं इसमें योगदान समझता हूँ। अभी अखबारों में भी छपा था, वो लोग भी लगातार इसमें प्रयासरत थे लेकिन उनके परिवार में एक देहांत हो गया, उनके सासू माता का, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है। हमारे नवानगर के TI ये भी इस अभियान में साथ में थे, साथ ही साथ हमारे CSP साहब, इनका भी इसमें लगातार मॉनिटरिंग रहा। सफाई दी जा रही है खबरें पिछले कई एक रात महीनों से चल रही और उसमें अलग अलग थाना प्रभारियों ने सफाई जारी करवाई अपने अपने व्हाट्सएप के साथियों से। नहीं वो तो सफाई बहुत दिन पहले जा रही है, चल रहा था अगर चल रहा था तब तो मिला आपको ये सामान से। हाँ तो मतलब वो सारी सफाई है। एक्चुअली क्या होता है कि आपके थ्रू या किसी अन्य माध्यम से जब हमें जुए के बारे में पता चलता है और जब पुलिस की टीम सक्रिय होती है तो निश्चित रूप से ये लोग भी हमारे कार्य प्रणाली पे या हमारी एक्टिविटीज पे ये लोग भी तो ध्यान देते होंगे ना, क्योंकि ये बड़ा जुआ खिलवा रहे हैं तो फिर ये लोग रुक जाते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे अभी चटका के बारे में खूब चला, उससे पहले उड़ती के बारे में चला, तो फिर वहाँ पर जब हमने रेड करवाई तो वहाँ से भग गए ये लोग, फिर अभी चटका के बारे में पता चला तो हम एक हफ्ते से लगातार इसके पीछे पड़े हुए थे, वहाँ से फिर ये लोग भग गए। लेकिन हमें स्पष्ट जानकारी मिल गई थी कि हाँ ये खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं इसकी जानकारी और दूसरा क्या है इनको हमको खेलते हुए पकड़ना होता है। ऐसा नहीं कि हमने आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया और घर से उठा के लेते आए, ये भी नहीं होता है। इनको हमें मौकाए वारदात से पकड़ना होता है, हम फैब्रिकेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है, कई बार विलम्ब होता है लेकिन हम पकड़ते जरूर हैं। इसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं जिनका हमें नाम पता है,
किंतु मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 8-9 लोग और थे जो रात में अंधेरे का फायदा उठा करके, चूंकि देहात का क्षेत्र है और पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है तो वो अंधेरे का फायदा उठा के भगे हैं, उनके बारे में भी हम पूछताछ करके पता करेंगे। बाकी दो लोग जिनका नाम अभी सामने आया है, राजा राम साहनी और हसन, ये दोनों मेन गुर्गे हैं जो इसको खिलवा रहे थे, इसको भी हम पकड़ लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमें कहीं सूचना मिली कि वहाँ जुआ चल रहा है, हम एक्टिवेट हुए, 8-10 दिन तक लगातार हमने कार्रवाई की, वहाँ पे लोगों को भेजा और उसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं, यहाँ पे लगातार चल रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हम खंडन इस बात का नहीं कर रहे हैं कि वहाँ कुछ हो रहा अथवा नहीं हो रहा, हम खंडन इस बात का कर रहे हैं कि पुलिस सक्रिय नहीं है, इस बात का खंडन कर रहे हैं। दोनों बातों में अंतर है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, कौन सा पत्रकार डर गया, ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों डरेंगे? आपका काम है सच्चाई को सामने लाना और हमारा काम है आपके आधार पर जो सूचना हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई करें, ठीक है। खंडन इस बात का नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि सिंगरौली में सब जगह सब कुछ ठीक हो गया होगा या कहीं पे भी, कोई भी दावा नहीं कर सकता इस बात का। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है और तब भी हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी गलती है। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।